पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। और मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहाद की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जदोजहद की, और मेरा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की जो सोच थी, उस पाकिस्तान को अगर हमने, वो पाकिस्तान जिसने एक अजीम कौम बनना था, जिधर दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जिसमें जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी अमरीकी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। कूफा के लोग, कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे, कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बुरा सानिया हुआ, सबसे तकलीफ दे हुआ क्या हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफ ज्यादा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए, बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, खौफ के बुत के सामने झुक गए। और जुल्म हुआ, इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको, जो डराता है वापस डरा उसको, जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है, ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम, अवाम है मुल्क का, जो मुल्क की क्यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे।